आयुर्वेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप इन 5 तरीकों को अपनाएंगे जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपको डायबिटीज़ में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो बिल्कुल संभव है कि आपकी दवाई भी छूट जाए और आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर जाएं। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि एलोपैथी में तो डायबिटीज़ का कोई सीधा इलाज है नहीं, लेकिन आयुर्वेद डायबिटीज़ के इलाज का दावा भी करता है और इसके रोकथाम के कई उपाय भी बताता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपनी डायबिटीज़ में चल रही दवा को छोड़ना चाहते हैं, तो रेगुलर लाइफ में आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए। और इसीलिए आज हम आपके लिए एक ख़ास जानकारी लेके आए हैं कि अगर आप अपनी शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो ये ख़ास 5 काम कीजिए जिनसे आपकी डायबिटीज़ भी ठीक रहेगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़े अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि दोपहर और रात को जो रोटियां आप खाते हैं वो जौ के आटे की रोटियां खाइए, ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। गेहूं के आटे को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और फिर आप समझिए कि तीसरा काम क्या करना है कि कुछ खास दालों का सेवन ज़रूर से ज़रूर कीजिए रोज़ाना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चने की दाल और मसूर की दाल। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं मूंग की दाल का सेवन कीजिए, राजमा खाइए, काले चने आप नाश्ते में खाएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। दिन भर ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देते काले चने। और एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप दाल खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रोज़ाना कम से कम 2 कटोरी दाल ज़रूर खाएं और खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 कटोरी सलाद ज़रूर खा लें, ये भी डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बात करें कि अगर आपका रोज़ाना सुबह का शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है यानी फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो आप सुबह सुबह खाली पेट दालचीनी की चाय ज़रूर पीजिए। दालचीनी की चाय आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पे फास्टिंग शुगर लेवल में ये बड़ा काम करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ नहीं है यानी डायबिटीज़ में अगर आपका वज़न कम है तो दालचीनी की चाय के बजाय मेथी वाटर को पीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा सही है। फिर एक और काम करना है कि अपने वज़न पर नियंत्रण रखना है। जी हाँ, अगर आपका वज़न आपकी हाइट के अनुसार सही नहीं है यानी या तो ज़्यादा है या कम है तो दोनों ही स्थितियों में आपके लिए चिंता की बात है। आप अपने वज़न को ना तो बढ़ने दें और ना ही घटने दें, यानी उसको कंट्रोल में रखें। और कंट्रोल में रखने का सीधा संबंध कहीं ना कहीं आपके खान पान से है। अगर आप अपना खान पान सही रखेंगे, रोज़ाना सुबह 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा, आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा और आपको स्वास्थ्य से जुड़े अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिए इन सब बातों का और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज़ में स्वस्थ रहिए। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब